लिए उतरना भी जमीन में पड़ता है। और मैं आज इसीलिए आपके पास में जमीन पर उतर करके आपके मुद्दे को सबसे ज्यादा सर्वोपरि मानते हुए मैं कार्य कर रहा हूँ। और मैं यहाँ तक भी कह रहा हूँ, मैं उन नेताओं को कह रहा हूँ, मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के पास वक्त नहीं है इन ग्राम प्रहरियों से मिलने का, क्या ये इतने गिर गए ग्राम प्रहरी कि जिस प्रजा से ये लोग जीतते हैं और आज वही प्रजा यहाँ पर रोने को मजबूर है। कल एक दादा थे, मुझे नाम नहीं याद है, जब मैंने कल उनका वीडियो बनाया तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। ये आंखों के जो आंसू हैं, ये बूंद बूंद जब जमीन में गिरती है तो योगी जी आपको सोच लेना चाहिए कि आप एक महंत हैं, आप योगी हैं, और योगी का कर्तव्य और धर्म होता है कि प्रजा के आंखों में खुशी के आंसू आने चाहिए और किसी भी तरह से कोई दर्द भरे आंसू नहीं आने चाहिए। लेकिन जब यहाँ दर्द भरे आंसू गिरते हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यहाँ क्या जिला अध्यक्ष नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं है कि प्रदेश सचिव नहीं है? कौन नहीं लखनऊ में रहता है? क्या वो नहीं आ सकते? वो इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि लगातार आप लोगों को 5 साल से ऊपर हो गया है, जब इनकी दूसरी सरकार बनी है, 5 साल होने जा रहा है, तब से सिर्फ आपको गुमराह करते हैं कि आपका वेतन बढ़ेगा, आपका वेतन बढ़ेगा। दिल्ली गए गृह सचिव के द्वारा, वहां से लेटर जारी हुआ जिस पर साइन तक किए गए, मोहर लगाई गई कि आप लोग जाइए 30 तारीख तक हम लोग विचार करेंगे। हम बड़ी उम्मीद और आशा के साथ बैठे हुए थे कि अरे कुछ ना कुछ इन चौकीदारों को मिलेगा, लेकिन देखा भाई साहब 30 तारीख तक सारी बैठक खत्म हो गई। हमारे चौकीदार को 000 मिला। क्या मिला? हमेशा 0 मिला। इसका कारण आप समझिए, आपको बता दें कि आपके थाने में अगर 100 चौकीदार है, मैं बार बार हर बात वीडियो पे भी बोलता हूँ और यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके 100 चौकीदार है तो 20 चौकीदार तो ऐसे होंगे जो सिर्फ आपकी जड़ काटने वाला काम करेंगे, अपने अधिकारियों से मिलकर के आपके बारे में अगर आप धरना देने जाएंगे तो आपके बारे में वहां जाकर के सूचना दे देंगे कि फला आदमी नेतागिरी कर रहा है। ये बड़ी समस्या है आपके बीच में। दूसरी समस्या, 20 लोग वो लोग हैं जिनको गुलामियत की जिंदगी पसंद है, उन्होंने सोच लिया है, जैसे कि अभी एक भाई ने हमारे कहा था कि नाली का कीड़ा नाली में ही रहना चाहता है। अगर ये 40 लोग, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, 60 लोग जो हमारे संघर्ष कर रहे हैं, अगर यही 40 में से 20 लोग और जिस दिन जागरूक हो गए, उस दिन सफलता आपको 110% मिल जाएगी। 20% अगर लोग बने भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कई बार देखा होगा कि चाहे कोई भी आपका विभाग हो या कोई भी कार्य हो, उसमें 10-20% लोग ऐसे होते हैं कि चाहते भी आप उन्हें सुधार नहीं पाएंगे। क्या सुधार पाएंगे आप लोग? कल मैंने देखा इतनी सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा थी तो मुझे लगा कि शायद एक उम्मीद है, उम्मीद जग रही थी, लेकिन सुबह जब यहाँ आकर के देख रहा हूँ तो ये भीड़ आधी रह गई। आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी? ये धरना का आयोजन ऐसे समय पर किया गया जिस समय खेती बाड़ी का काम भी लगभग नहीं है, फिर भी आखिर कौन सी मजबूरी, कौन सा बहाना है कि लोग बहाना बना करके निकल लिए? भाई मैं यहाँ आ रहा हूँ। दूसरी चीज आपको एक कड़वा सत्य बता रहा हूँ, हमेशा कड़वा सत्य बोलता हूँ, हो सकता है कुछ भाइयों को कष्ट हो जाए, उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो बात है उसे बोलने से मैं पीछे नहीं हटता हूँ। सबसे पहले जितने भी संगठन चल रहे, इन संगठनों के जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं, उनको सबसे पहले सुधार करना चाहिए। अगर संघर्ष करना है और चौकीदार विभाग को ऊपर ले जाना है तो पहले संगठन को एकजुट होना चाहिए, अगर कहीं भी धरना का आयोजन होता है तो। और अगर बात यहाँ पे आ जाती है ज्ञापन की, कई बार लोग कहते हैं कि हमारा जाएगा, वो कहते हैं हमारा जाएगा, ये सब देख करके एक तरीके से नौटंकी हो जाती है, उस नौटंकी को लोग बाहर तक पहुंचा देते हैं कि अरे चौकीदार तो खुद ही एक नहीं हो रहे। समझिए, इसका फायदा सीधे सरकार उठाती है। ज्ञापन का भी एक तरीका है, अगर आपके 6 संगठन चल रहे हैं, 6 संगठन बैठ करके सबसे पहले मीटिंग करिए कि फला जगह मैं धरना करने जा रहा हूँ, हम सभी मिलकर के एक संगठन ऐसा चुन लो जो आपका पुराना हो, जो संघर्षशील हो, जो वाकई में जिसके वोट बैंक सबसे ज्यादा चौकीदारों में हो, वो उस संगठन के बैनर के तले धरना करिए। लेकिन अन्य जो संगठन सहयोग कर रहे हैं उनके भी नाम नीचे लिखे होने चाहिए, लेकिन ज्ञापन एक होना चाहिए, एक ज्ञापन होना चाहिए, नीचे सहयोग में लिखा होना चाहिए, सहयोग में फला संगठन, सहयोग में फला संगठन, सारे संगठनों का नाम भी जाएगा और इससे हमारे सभी भाई भी खुश रहेंगे और हमारे ग्राम प्रहरी भी खुश रहेंगे। गलत कह रहे तो बताइए आप। इस तरीके से अगर कार्यक्रम किया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आज नहीं तो कल अगर आप
थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जो लोग सो जाते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती, और जो लोग एक चींटी की तरह रेंगते रहते हैं, बार बार चढ़ते बार बार गिरते, एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन आपको एक चींटी बनना पड़ेगा। आप चींटी की कहानियां उठा करके देख लो कि चींटी जब पहाड़ पे दीवार पर चढ़ती है, चाहे जितना भी बड़ा दाना हो, बार बार कोशिश करती है चढ़ाने की, नहीं चढ़ा पाती है, लेकिन लास्ट में क्या करती है कि दो चार चींटियां आती मिल करके बड़ा से बड़ा भी कोई भी आइटम अगर सामान होता है उसे चढ़ा करके बिल में ले जाती है। यानी यहाँ से परिचय है कि आप संगठित हो जाइए। अगर आप अकेले कोशिश करेंगे, धक्का मारेंगे किसी गाड़ी में तो नहीं चला सकते, लेकिन चार लोग मिलके मारोगे तो गाड़ी भी पार होगी, आपकी नाव भी पार होगी, आपका सम्मान भी आपको मिलेगा। इतनी बात कहते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगा और समस्त हमारे पदाधिकारियों को हमारी तरफ से प्यार भरा धन्यवाद नमस्कार और सभी लोगों को हमारा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव श्री अनु त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, इसके लिए चौकीदार समाज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। और